इन प्यारे साथियों, आज देखिएगा आप लोग। इससे पहले हम अपने वाले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि छंद में मात्रा कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। एक शॉर्ट तरीका बताए थे हम क्या कि छंद में मात्रा को कैसे लगाते हैं। उसके बाद आज हमारा जो अगला वीडियो है, इसमें हम आप लोगों को बताएंगे मात्रा के कितने प्रकार होते हैं। उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो हमारा छंद होता है, छंद के कितने प्रकार होते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा इम्पोर्टेंट छंद होता है, और उस छंद के पहचानने का एक गजब का नियम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखते मान जान जाएंगे कि हमारा कौन सा छंद है, ठीक है ना। तो आप लोग डायरेक्ट आइएगा अपने क्वेश्चन पे। आप लोग को बताना क्या है कि भैया कि छंद के प्रकार अगर एग्जाम में पूछता है छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो हम बताएंगे कितने प्रकार होते हैं। चार हमारा होता है मात्रिक छंद, एक होता है हमारा मात्रिक छंद, एक होता है हमारा वार्णिक छंद, अवार्णिक छंद, एक होता है हमारा वर्णवृत्त छंद, वर्णवृत्त छंद, और एक होता है हमारा आधुनिक छंद। आधुनिक छंद या इसी का नाम है हमारा मुक्तक छंद, मुक्तक छंद, या इसी को हम लोग कहते हैं केचुआ छंद, या इसी का नाम और देके पूछ लेता है रबड़ छंद। ढेर सारे नाम आधुनिक छंद का देखने के लिए हमको मिलता है, ठीक है ना। आज सबसे ज़्यादा मात्रिक छंदों में जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा है मात्रिक छंद, ठीक है ना। आज हम लोग मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं और किसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ये सारी बातें सीखेंगे, ठीक ना, अपने इस छोटे से वीडियो में। देखिएगा, हम जानते हैं जब मात्रिक छंद को देखते हैं तो इसको तीन प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, एक होता है हमारा अर्ध सममात्रिक छंद, और इन दोनों को मिलाकर एक हमारा जो आखिरी में बचता है इसको बोलते हैं संयुक्त मात्रिक छंद, संयुक्त, या इसी का दूसरा नाम है विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। हम ट्रिक के सहायता से सीखेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, इसके लिए ट्रिक है हमारी देखिएगा इसके लिए ठीक है हमारा चार गीत हरि गीतिका, चार चार गीत हरि गीतिका, हरि गीतिका, ठीक है ना। ये हमारा ट्रिक है, इसी के सहायता से हम लोग जानते हैं कि सम मात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। चार से होता है चौपाई, चौपाई, रस से होता है हमारा रोला, गी से होता है हमारा गीतिका, ये होता है हमारा हरि गीतिका, हरि गीतिका, ठीक है ना। सबसे पहली बात इसमें हम लोग समझते हैं, जो सम मात्रिक छंद होता है इसका मतलब यही होता है कि ऐसे छंद जिसमें मात्राओं का संख्या हर एक चरण में समान होता है, ठीक है ना। ऐसे छंद जिसमें मात्राओं का संख्या हर एक चरण में समान होता है उसी को हम लोग कहते हैं सम मात्रिक छंद। हम लोग देखेंगे कि जो हमारा चौपाई होता है इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ पाई जाती हैं, रोला में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएँ होती हैं, गीतिका में प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएँ होती हैं, और हर गीतिका में प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। हमेशा हम लोग देखते हैं जो चौपाई, रोला, गीतिका और हरि गीतिका होता है इसके चार चरण जो होते हैं वो चार लाइन में दिए गए होते हैं, चार चरण होते हैं, चार लाइन में दिए गए होते हैं। और हमेशा जो हमारा सम मात्रिक छंद होता है, चाहे वो चार चरणों में दिया गया हो, चार लाइन में दिया गया हो, अगर कोई एक पंक्ति में देखने के लिए मिलेगा तो हम देखेंगे
जब बीच में यति या विराम का प्रयोग होता है वहाँ पर हमको अल्प विराम देखने के लिए सममात्रिक छंद में नहीं मिलता है। यही पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करें चौपाई की, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में चार चरण होते हैं, हर एक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं। कितनी मात्राएँ होती हैं? 16-16 मात्राएँ होती हैं। ऐसे रोला की बात करेंगे, इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएँ होती हैं? 24-24 मात्राएँ होती हैं। ऐसे हम जब गीतिका की बात करते हैं, इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएँ होंगी? 26-26 मात्राएँ होंगी। ऐसे हमारी गीतिका की बात करेंगे तो प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएँ होंगी? 28-28 मात्राएँ होंगी, ठीक है ना। ऐसे ही हम देखेंगे जो हमारा अर्ध सममात्रिक छंद होता है, इसके याद करने का जो हमारा ट्रिक होता है, इसका ट्रिक है हमारा दो बार सोऊं। क्या? दो बार सोऊं, दो बार सोऊं। दो से हो जाता है हमारा दोहा, ब से हो जाता है बरवई, सो से हो जाता है हमारा सोरठा, और ऊ से हो जाता है हमारा उल्लाला, ठीक है ना। अब देखिएगा, सबसे पहली बात क्या कि ये हमारा अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है ना। इसमें भी चार चरण होते हैं। इसमें भी कितने चरण होते हैं? चार चरण होते हैं, दो पंक्ति में दिए जाते हैं। और हमको पता है कि जो पहला और तीसरा चरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं विषम मात्रिक चरण या असंगत चरण बोलते हैं। आप लोग देखिएगा दोहा में क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएँ होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है? 11-11 मात्राएँ होती हैं, ठीक है ना। दोहा का ठीक उल्टा होता है क्या भैया? सोरठा। दोहा का उल्टा होता है सोरठा। तो इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएँ, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएँ होंगी, ठीक है ना। आप लोग मात्रा लगाने का नियम सीखे हैं। उसके बाद बस होता है बरवे, बरवे इससे हम ले लेंगे 12 और 12, मतलब पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएँ और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएँ, ठीक है ना। उसके बाद हम उल्लाला को कैसे याद करते हैं? जिससे दोहा की शुरुआत होती है उसी वही उल्लाला के लास्ट में जाता है। उसके बाद हम जानते हैं, इससे दो और जोड़ देते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएँ होंगी? 15-15 मात्राएँ होंगी, ठीक है ना। 15-15 उल्लाला के पहले और तीसरे चरण में 15-15, और दूसरे और चौथे चरण में मतलब जो संगत चरण होता है उसमें कितनी? 13-13 मात्राएँ होती हैं। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं जो हमारा संयुक्त या विषम मात्रिक छंद होता है, इसके भी याद करने का एक तरीका जो हमारा ठीक है, क्या ठीक है हमारा? कुछ 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 से हो जाता है कुंडलियाँ, और छह से हो जाता है छप्पे। क्या हो जाता है हमारा? कुंडलियाँ और छप्पे। हमको पता है ये हमारा संयुक्त मात्रिक छंद है। जब ये हमारा संयुक्त मात्रिक छंद है तब हम एक बात यहाँ से सीखेंगे, क्या कि यह दो छंदों के मिलने से आपस में बनता है, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं क्या? संयुक्त मात्रिक छंद, ठीक है ना। ये किन किन छंदों के आपस में मिलने से बनता है इसी बात को हम लोग सीखेंगे। जैसे कुंडलियाँ हमारा होता है, यह दोहा और रोला से मिलकर बनता है, दोहा प्लस रोला। हमको पता है कि दोहा हमारा क्या है? दोहा हमारा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है, और रोला हमारा सममात्रिक छंद है, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग देखेंगे इसका निर्माण होता है छप्पे का, रोला प्लस उल्लाला, रोला प्लस उल्लाला, ठीक है ना। अब हम इसमें जानते हैं जो हमारी कुंडलियाँ और छप्पे होते हैं इसमें कितने चरण पाए जाते हैं? 6 चरण पाए जाते हैं, और वो चरणों का प्रारूप ऐसे हमको देखने के लिए मिलता है। कितने चरण भैया? 6 चरण पाए जाते हैं। हम कुंडलियाँ और छप्पे की पहचान कैसे करते हैं? जिस शब्द से कुंडलियाँ की शुरुआत होती है, जिस शब्द से कुंडलियाँ की शुरुआत होती है वही शब्द हमको आखिरी में देखने के लिए मिलता है। मतलब दोहे की जिससे शुरुआत होगी उसी का आखिरी में रोला में होगा, आखिरी जो शब्द होगा वही आखिरी में होगा, ठीक है ना। वैसे हम लोग जानेंगे कि रोला और उल्लाला जो होता है इसका स्ट्रक्चर या प्रारूप कैसे बनेगा। रोला हमको पता है सममात्रिक छंद होता है, इसके चार चरण होते हैं, और उल्लाला हमारा अर्ध सममात्रिक छंद होता है, इसके भैया दो चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? दो चरण होते हैं। इसमें भी हमको ऐसे 6 लाइन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और हमेशा एक बात जानते हैं क्या कि जो हमारा कुंडलियाँ होता है उसमें हमेशा देखते हैं जो हमारा प्रारूप बनता है उसमें 180 अंश का कोण बनता है, और जो हमारा छप्पा होता है इसमें लगभग ऐसे 90 डिग्री का कोण बनता है। क्योंकि हमारा जो उल्लाला होता है इसके पहले और तीसरे चरण में 15 और 13 मात्राएँ होती हैं, और इसमें
पंद्रह और पंद्रह मात्राएं होती है और इसमें तेरह तेरह मात्राएं होती हैं। जैसे इसका जो मात्रा होगा ये बढ़ जाएगा तो कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी, ठीक है ना। ऐसे ही और ढेर सारी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।